वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो। एंड भाई अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस आज की वीडियो का लाइक है मैं 1 मिलियन लाइक्स। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, चलो आपके बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट स्टार्ट विद द नंबर 5th क्लच। ये क्लच है बरमूडा मैप में वाटर का, मतलब कि जो जोन है वो पानी में बना था। पीजी रोहित के अलावा और 3 बंदे थे और वो तीनों ही अलग अलग टीम से थे एंड उसमें से एक था किलर। जी हाँ किलर। अब भाई आगे क्या होता है आप देखिए। क्या हो रहा है यहाँ पे इसके बाद भाई लोग बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर वाले क्लच की तरफ। ये 1v4 क्लच है और ये टीम लीड के अगेंस्ट में है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये टीम लीड के अगेंस्ट में है। टीजी रोहित ने अकेले पूरी टीम लीड को खत्म कर दिया था अकेले। इसमें जो रोहित है वो NXT से खेल रहे होते हैं। इस भाई लोग फाइट के दौरान NXT पूरी फिनिश हो जाती है, बचते हैं सिर्फ रोहित। यहाँ पे डाउन करते नजर आने वाले हैं, टीम लीड यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही है। दो प्लेयर NXT के डाउन होते नजर आएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। टीम NXT वर्चुअली एलिमिनेट हो गई है। आई थिंक NXT को यहां से बच के निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। एलीट के लिए बहुत इजी एक और क्वाल एडमिशन देखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली देखा जाए तो यहां पे दो ही अगर प्लेयर बचा है NXT के, क्या है यहां पे कोई यहां पे असर डालते इस मैच में। फिलहाल यहां पे किलर को लॉकडाउन कर दिया गया है, यहां पे 3v2 स्कैनियो बन चुका है। बट डेफिनेटली मैं वो तक तो टीम लीड यहां पे मारी पड़ती नजर आ रही है NXT के। यहां पे काफी ज्यादा दो उच्च के एक प्लेयर को यहां पे नॉक कर चुका है रोनिक का। यहां पे उनको बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले गाइस, किल भी कंफर्म कर लेंगे एंड एम भी स्पॉट यहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं। इसकी बात करता हूं यहां पे रोहित ने गन प्लेयर को नॉक आउट कर दिया तो कहीं ना कहीं का बोलना दिक्कत हो सकती है भाई। टीम लीड का यहां पे क्यों हिला डाला ना भाई। तो हमारे 3rd नंबर वाले क्लच की तरफ, ये 1v3 क्लच है एंड ये क्लैश स्क्वाड का है और ये पागल M10 की टीम के अगेंस्ट में है। आप देखिए माफिया मुसीबत में गलती कर रहे हैं, नॉकआउट हो सकते हैं। मुकाबला करते हुए यहाँ पे टोटल खत्म। भाई बिना देरी करे बढ़ते हमारे 2nd नंबर वाले क्लच की तरफ। ये परगेटरी मैप में 1v4 होने वाला है एंड इसके बारे में अपन ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला है, आप खुद ही देख लीजिए। कौन है टॉप पर? टीम इज टीम डन अदर देन टीम प्लेइंग 870 फ्रिकिंग पॉइंट्स एंड मैं यही सोच रहा था कि 70 पॉइंट का वो इस टीम के और जीत हो चुके हैं। टीम टीवी टाइकून्स वर्सेस होल जनरेशन। अब रोहित सिर्फ यहां पर 4 खिलाड़ी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
पर दिक्कतें बन सकती हैं। ये क्या था, लाइक मैं सोच रहा था कि सिर्फ एक थोड़ा में देखने को लग रहा है, पर वो जो जीतने वाला ये पता नहीं था, दैट वाज भाई मजाक से हट के इस अकेले बंदे ने चार बंदों को पेल दिया। यार आप लोग भी जान दो कि 1v4 करने कोई आसान बात नहीं होती है, और भाई ये चारों बंदे तो एक साथ रोहित पर अटैक कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके एल लग गए। हमारे लास्ट और फर्स्ट नंबर वाले क्रच की तरफ यहाँ पे एक अंडरडॉग टीम की टीजी के साथ क्लैश लैंडिंग होती है। रोहित के अलावा पूरी टोटल गेमिंग खत्म हो जाती है, रोहित ऊपर शिप पे होने की वजह से बच जाते हैं। अब भाई ये आगे कैसे क्लच निकालते हैं आप देखिए। टोटल गेमिंग सेंता कैथरीन के ऊपर सिटी, इस बार यहाँ पे टेक के साथ टोटल गेमिंग का क्लैश लैंडिंग हो चुका है ऑन द एरिया ऑफ सेंता कैथरीन। ये घर है टोटल गेमिंग का, यहाँ पर अगर आप इनके साथ पंगा ले रहे हो तो दैट्स इट कि टोटल गेमिंग इनको पनिश अप कैसे करने वाली। साइड यहाँ पे बिल्कुल बॉस द इन्फॉर्म है, M-AD-73 इनके पास है। सवाल ये कि क्या यहाँ पे मौका मिलेगा या फिर रिवाइव कर पाएंगे अपनी काफी मॉल का शॉट यहाँ पे लगाया पहुंच गया, यहाँ पे बिल्कुल तैयार 5 HP मैच क्यों ना रिवाइव करने का मौका यहाँ पे जरूर ढूंढेंगे। एक और प्लेयर यहाँ पे क्लोज आ जाएंगे, बचने का कोई भी चांस यहाँ पे इनके पास नहीं होने वाला। क्लच निकालने की चेष्टा यहाँ पे कर रहा है, काफी डैमेज यहाँ पे डील, वैसे प्लेयर बहुत ज्यादा एक कवर फायर की जरूरत। रोहित कहाँ है, बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे रोहित थे गाइस, बच नहीं पाए। अगर वहां पे रहते तो उस एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन करके अपने तीनों प्लेयर्स को रिवाइव करने का मौका मिलता, बट फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया। एंड लास्ट मैच एक सुनहरा अवसर यहाँ पे टोटल गेमिंग गवा देगी। अभी भी वक्त है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अवसर गवा दिया है, अभी भी वक्त है। वो रोहित है, एक्सपीरियंस है, अग्रेशन है, यंग ब्लड है, काफी अच्छा डोमिनेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेट्स सी कि अखिलौते प्लेयर यहाँ पे टेक के कितना ज्यादा नाक में दम करने वाले हैं। अंशु को यहाँ पे नॉक करके रखा है, बॉल लगाकर यहाँ पे रिवाइव देने का मौका जरूर। लक्ष्य बहुत ज्यादा लो है, अंशु का किल यहाँ पे रोहित कन्फर्म करेंगे, बस अब यहाँ पे तीन प्लेयर्स को हैंडल करना है। गलत बात मुझे ये लग रही है कि रोहित के पास कोई शॉर्ट रेंज का वेपन नहीं है, एक आई थिंक गॉड वेपन है, बस क्राउच करके यहाँ पे शॉट्स लगा सकते हैं। बट क्राउच करके शॉर्ट रेंज खेलना यानी कि सीधा हेडशॉट का न्योता देना जैसे यहाँ पे बात हो जाएगी। लेट्स सी कि उसी का इस्तेमाल यहाँ पे कैसा कुछ करने वाला है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सेंता कैथरीना के ऊपर यहाँ पे टोटल गेमिंग वर्सेस टेक के तीन प्लेयर्स यहाँ पे गवा दिया है, काफी बढ़िया स्वागत यहाँ पे किलो के सबसे ज्यादा हीलअप यहाँ पे थे उनका स्वागत यहाँ पे किया, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे करके रखेंगे, पानी के अंदर गिरकर यहाँ पे उनका डेथ हो जाएगा। बात किया यहाँ पे रोहित की तो खेल यहाँ पे जरूर उठाएंगे, ग्रेनेड यहाँ पे जेम्स अगर धाराशी हो गए तो लक्ष्य यहाँ पे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जेम्स भी यहाँ पे रॉकेट रो, ओ भाई ये क्या है, लक्ष्य यहाँ पे लेट्स सी कि क्या जो प्लेयर के नीचे गिरते हैं पानी के अंदर जाके क्या उनसे यहाँ पे इनको मेडिकेट मिल चुके हैं। यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे ऊपर आ रहे अलर्ट यहाँ पे खेलना पड़ेगा, एक कमोड़ी जमीन के कमाल का स्प्रे यहाँ पे, बट आएगा तो MP40 का स्प्रे यहाँ पे बचकर यहाँ पे खेलना पड़ेगा। आई थिंक MP40 या फिर स्कार है, ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। रोहित यहाँ पे टाइम बाय कर रहे, पांचों मेडिकेट्स में से एक मेडिकेट लगाकर खुद को हील अप करेगा। लेवल 1 का वेस्ट वर्क नहीं करने वाला है लक्ष्य, लक्ष्य की भी उतनी HP है। सवाल ये है कि रोहित के पास यहाँ पे शॉर्ट रेंज की कमी है, एक और टीम यहाँ पे, ये फायर कहाँ से आ रहा है, ये फायर आ कहाँ से रहा है, दैट्स गॉन। भाई इतना बुरा लग रहा था ना यार। भाई उम्मीद करता हूँ कि क्लचेस आपको पसंद आए होंगे, अगर कोई क्लच रह जाता है मेरे यार तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट है तभी स्पोर्ट है भाई, कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना एंड बाय बाय।